बांका के विकास के लिए भाजपा जरूरी, सुरेंद्र कुशवाहा। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और अमरपुर के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को बांका परिसदन में प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने जा रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार गृह जिला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो समाज का हर एक क्षेत्र में लगातार उन्नति कर रहा है, ये विपक्षी दलों को पोच नहीं रहा है। इसलिए उनके द्वारा कई हथकंडे अपनाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, लेकिन जनता समझदार है, वो अपने नेता का चुनाव करना जानती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व वाली टीम के हिस्सा होने के नाते उन्होंने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एनडीए गठबंधन में होने वाले लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू करने की बात कही है। इस दौरान लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़े रहने के कारण उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए विकास की संभावनाओं के बारे में जल्द ही यहां की कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश उर्फ बिक्की मिश्रा, जदयू नेता क्रांति कुशवाहा, गुड्डू कुमार, भोला महतो, राजीव कुशवाहा समेत कई अन्य का भी आभार जताया। इसके बाद वे अपने समर्थकों संग कटोरिया प्रखंड और चांदन प्रखंड के गांव में लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याओं को जानकारी ली और हाल जाना। जो है बीजेपी में हम आए, इसके उपरांत हम लोगों का पुराना राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध शकुनी बाबू से, सम्राट चौधरी जी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में बीजेपी बिहार के, उनसे था, उनसे भी हम लोग प्रभावित हुए। और इन तमाम कारण से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण से, हमने मोदी जी के और नड्डा साहब के, अमित शाह जी का, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का के बातों से और कार्यों से और दूरदृष्टि, बिल्कुल विकासोन्मुख, एक देश एक राष्ट्र एक सिद्धांत, ये तमाम योजनाओं को देख करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर हमारा यह बिल्कुल, हम हमेशा शैक्षणिक कार्यों से भी जुटे हुए थे, इसलिए हमको बहुत आकर्षक लगा और व्यावहारिक लगा, इसलिए हमने ज्वाइन किया बीजेपी को। क्या लगता है आपको, बांका की जनता को आप भरोसा दिला सकेंगे कि आपको उधर से आरजेडी से बदल करके बीजेपी में आए हैं, अब यहाँ से राज्य से लेकर के ऊपर तक सत्ता आपकी है, जिले का विकास संभव है, पूर्ण विकास जिला की विकास तो अब पूर्ण को क्या, उससे भी पूर्ण कहा जाए, जिला में तो बढ़ चढ़ करके काम हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, देश में भी बढ़ चढ़ करके काम और चतुर्मुखी विकास हो रहा है। आज गंगा जी को आप देखिए, जब हम विधायक हुए थे तो उस समय हम लोग सिर्फ एक पुल को जानते थे कि गंगा जी में एक मोकामा में पुल है, दूसरा एक महात्मा गांधी सेतु पटना के पास पुल है। और आज सुल्तानगंज में बन रहा है, मोकामा में उसके पैरेलल पुल बन रहा है, मुंगेर में रेलवे रोड पुल बन गया, सोनपुर जाने के लिए वाजपेयी जी ही उसके शिलान्यास किए थे और वह पुल बन गया। अब तो विकास मैंने उसको कहा जाए कि गंगा में पुल और पुल का विकास था, वह भी थी संस्था, यह भी है, यह भी पवित्र संस्था है। और जब नेतृत्व बहुत मजबूत आदमी के हाथ में रहता है तो उसके नीचे काम करने में भी मज़ा आता है, इसलिए हम वह कहीं गलानी का इसमें क्या बात है, जो आदमी जो जिसने हमको उस समय सहयोग दिया वही आदमी आज भी कह रहा है कि आपके ऐसा काम करने वाले, विकास करने वाले सर, आप आ जाइए, हम लोग बिल्कुल आपके सिद्धांत के अनुसार ही चलेंगे।
26 फरवरी को तेजस्वी यादव का जनसमर्थन यात्रा को लेकर परिसदन में राजद ने किया बैठक। 26 फरवरी को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के जनसमर्थन यात्रा में आगमन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का बैठक बांका के परिसदन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव मौजूद थे। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह जनसमर्थन यात्रा भागलपुर से रजौन होती हुई 26 फरवरी को बांका परिसदन आएगी। उसके बाद 27 फरवरी को परिसदन से जनसमर्थन यात्रा बांका जिले के इंग्लिश मोड़ शंभुगंज होते हुए असरगंज तातारपुर होते हुए जमुई जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह जनसमर्थन यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बैठक में राजद के पूर्व विधायक रामदेव यादव, जावेद इकबाल अंसारी, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, स्वीटी सीमा हेमरम, राजद के प्रदेश महासचिव गुड्डू यादव, वरीय नेता अबुल हासिम मिठन यादव, युवा राजद के जिलाध्यक्ष विशाल यादव, हीरा बाबू, रणधीर यादव, अनिरुद्ध यादव, सुभाष यादव, राजद खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुशवाहा आदि मौजूद थे। हम लोग विश्वास यात्रा की सफलता के लिए और अपने नेता आज अपने तेजस्वी यादव जी का भव्य स्वागत करने के लिए शराब फैक्ट्री रजौन में कम से कम 200 मोटरसाइकिल और एक दर्जन चपहिया वाहन से उनका अगवानी करेंगे और कार्यकर्ता अर्थाओं के साथ जय हिंद जय राष्ट्र। लोकसभा प्रत्याशी जवाहर कुमार झा का बांका में हुआ स्वाभिमान यात्रा का समापन। बांका के लोकसभा प्रत्याशी जवाहर कुमार झा का स्वाभिमान यात्रा का आज बांका प्रखंड में समापन हो गया, जिसमें यहां की जनता ने परिवर्तन की हुंकार भरते हुए अपार जन समर्थन देने का भरोसा दिलाया। वहीं बांका के माटी का लाल युवा राजनेता जवाहर कुमार झा ने अपनी यात्रा विजयनगर के दुर्गा मंदिर से शुरू की। ये यात्रा बांका प्रखंड के विभिन्न गाँव व शहर में परिभ्रमण किया। वहीं उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू वीर कुंवर सिंह, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने माल्य अर्पण किया। उन्होंने बांका के विकास में यहां के युवाओं को परिवर्तन करने की अपील करते हुए अपने साथ जुड़ने की अपील की। कहा कि लोगों में नई उम्मीद और उत्साह का माहौल बन गया है। यह यात्रा 13 दिन 13 प्रखंड का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया है। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, अरविंद पांडे, काशीनाथ चौधरी, प्रियदर्शी ठाकुर, सहेंद्र दास, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मेहराम, विजय आनंद, पवन झा, सिंकी झा, बंटी सिंह, डॉन आदि मौजूद थे। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का एक दिवसीय कार्यशाला सब मीटिंग आयोजित। भागलपुर जिला अंतर्गत सनोहला थाना परिसर के बगल स्थित हरि व्यापारी को कंपनी में पदस्थापित पर्ल क्राउन मिस्टर ब्रजमोहन सिंह की अध्यक्षता में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का एक दिवसीय कार्यशाला सब मीटिंग आयोजित की गई। उन्होंने भारत से बेरोजगारी और बीमारी मुक्त बनाने को लेकर बताया और संकल्प भी लिया। आगे उन्होंने सरकार द्वारा कई जगह पर रासायनिक खाद पर बैन लगाने और जैविक खाद को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में जैविक प्रोडक्ट एवं नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एग्रो का बहुत सा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को उपयोग करने से किसानों में खुशहाली आती है एवं शरीर भी स्वस्थ रखता है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी फार्मा, FMCG, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ कई क्षेत्रों में यह सुचारू ढंग से काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने पटना में बाबू सभागार में 10 मार्च को आयोजित मीटिंग में आने के लिए सबों को आमंत्रित किया। मौके पर अधीक कुमार, जिशान मेडिकल के प्रोपराइटर आवुकेश, अजय पासवान, ज्योतिष प्रसाद यादव, डॉक्टर मेघबरन, जयकांत पासवान, रवि रोशन चौधरी, तुलसी यादव, श्रीकांत ठाकुर, अमित ठाकुर के साथ साथ दर्जनों डायरेक्ट सेलिंग के इच्छुक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर मीटिंग को सुना, समझा और सफल बनाया। मैं ब्रजमोहन सिंह, हाजीपुर बिहार से, पर्ल क्राउन पिछले 9.5 साल से लगभग मॉडल के साथ। आज ये मीटिंग सनहौला भागलपुर की धरती पर मैं आया था। उसका मूल उद्देश्य ये था कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के सारे सेक्टर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। आज जो आप लोगों के द्वारा जो माहौल बनाया गया बहुत ज़बरदस्त था। मूल मेरा उद्देश्य था आज की मीटिंग का कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की ताकत और नेटवर्क इंडस्ट्री में मॉडल ही क्यों, उस पर बातचीत करने के लिए। क्योंकि मॉडल दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको एक ही आईडी से कई सारे कामों को देती है। फॉर एग्जांपल, आप
आप FMCG में काम करना चाहते हैं तो FMCG में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं, आप कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट के सारे ट्रीटमेंट, यहाँ तक एलोपैथ मेडिसिन वेटनरी जैसे प्रोडक्ट में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में हमारी 34 टाउनशिप है जिसमें आप काम कर सकते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। हम पिछले 12 से 2012 में जब हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो उस समय से हम भारत की थर्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 10 स्टेट में काम करती है, जिस पर हम बृहद बात आज की मीटिंग में जो किया हूँ, तो उसकी सुरक्षा क्योंकि लीगल रूप में 2002 एक्ट के तहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो संविधान के दायरे में काम करती है, मेंबर बना के लोगों को फिक्स डिपोजिट, रेकरिंग डिपोजिट, डेली डिपोजिट, MIS पेंशन प्लान पर काम करती है, ये सारी चीज़ों पर आज हमने उसकी सुरक्षा को लेकर बृहद बात किया। अभी हम पिछले 2.5 साल से वर्चुअल करेंसी की तरफ कदम रखे हैं जिसमें हमारा 2 टोकन अभी चलता है MTG और GNG के नाम से, खुद की हमारी BTBSE के नाम से एक्सचेंज है। तो हम सारे प्लेटफॉर्म को एक ही आईडी से सारे कामों को हम करते हैं। इन कामों को आज बृहद जानकारी दी गई, उसके लिए उत्साहित माहौल रहा आप लोगों का। और मुख्य रूप से लास्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी के एक मॉडल कुंभ पटना के अंदर में आप सभी लोगों को इनवाइट किया हूँ कि वहाँ क्वालिफाई करें, उसमें विकास ट्रॉफी लेकर और जो भी हमारे यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं उसमें सारी ऑफर्स के बारे में जानकारी दी गई, उसको अचीव करके आप आएँ 10 मार्च को पटना गांधी मैदान के पास बापू सभागार में।